अमेरिका ने पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देश की सूची में डालकर पाक की नींद उड़ा दी है और इससे पाक बुरी तरह बौखला गया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की श्रेणी में रखने का ऐलान किया था। अमेरिका की इस कार्रवाई पर मंगलवार को इमरान सरकार ने पूरी तरह ऐतराज जताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर फैसले को एकतरफा और मनमाना करार दिया। साथ ही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने सूची में भारत को न रखने के लिए अमेरिका को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है। पाकिस्तान ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते सूची जारी कर पाकिस्तान के साथ साथ म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमिस्तान को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न श्रेणी में रखा था। गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश विभाग हर साल अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून 1998 के तहत अपनी सीपीसी सूची तैयार करता है। इस सूची में उन देशों को रखा जाता है जहां धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। इस श्रेणी में रखे गए देशों पर अमेरिकी सरकार आर्थिक और वाणिज्यिक प्रतिबंध लगाती है। इस सूची के जारी होने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साहब फैसल ने रिपोर्ट को नकारते हुए कहा है कि यह अमेरिका की चुनिंदा देशों को निशाना बनाने की नीति है। पाकिस्तान एक बहुधर्मी और बहुलतावादी देश है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर धर्म के व्यक्ति को संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। सरकार की हर शाखा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पाकिस्तान के लोगों को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी देती है। संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही है। पाकिस्तान के हिंदू और ईसाई समुदाय सबसे ज्यादा खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र यह भी मानता है कि इन दोनों समुदाय की महिलाओं और बच्चों को अगवा कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मुस्लिम युवकों से शादी होने के बाद उनके परिवार के पास लौटने की उम्मीद बहुत कम होती है। यूएन की कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार अल्पसंख्यकों पर हमले के लिए कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा दे रही है। कमीशन ने 47 पन्नों की रिपोर्ट को पाकिस्तान धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नाम दिया है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले देशों की सूची में डालकर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान पर आर्थिक और वाणिज्यिक प्रतिबंध लग जाएंगे, जिसके बाद कंगाली में घिसट रहे इस मुल्क की हालत और बदतर होने की उम्मीद है।